के लिए बोलता है, इसलिए पहली सीट में ही कई लोगों के लिए उसके कारण मैंने रिजर्व करके रखा है, बाकी सारे सीट रिजर्व है। कुर्सी किसी के लिए हम है? जी सर, जनरल सामान्य कुर्सी में कोई भी आकर फर्स्ट कुर्सी का लिए तो उसमें बैठ सकते हैं। अभी आपको समझ में आया, लास्ट संडे से मैं आप लोग ये एक्स्ट्रा जगह बना दिया है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड हेल्प टू कोऑपरेट। और ये डोर भी खुला है, वो डोर भी खुला है, वो डोर भी खुला है, ये डोर भी खुला है, वो डोर भी खुला है, वो डोर भी खुला है, सारे डोर खुला ही रखा। वो डोर मैंने अंदर से कड़ी लगा इसलिए कि पुरुष लोग वापस अभी से इधर नहीं आए। अब सैनिटाइजर करने के बाद आप इधर आकर बैठना है तो आप इधर भी, इधर से भी चप्पल इधर छोड़ के इधर आ सकते हैं। आपको समझ में आया? लेकिन ये एक रिक्वेस्ट है, ये बगन का मास्क नहीं है, ये मास्क हमेशा इधर ही रहे। वो फेतों में रहने वाली वो बहन को मास्क नहीं पहना, उधर नहीं देखना, आप लोग आपका मास्क देखो, इसलिए कि कोई आपकी इंस्पेक्शन करने को आए तो उसके कारण, दूसरा कुछ नहीं। हम हैरान होना नहीं चाहते हैं, वी डोंट वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व इन एनी अफेयर्स अननेसेसरली। वी आर द मोस्ट ओबीडियंट पीपल ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर्स। सरकार के सारे आज्ञाओं को हम मानने वाले, लेकिन डरने वाले नहीं। क्या मैंने अपमान करेगा तो कुछ उसमें बड़ी बात है क्या? नो प्रॉब्लम, उसके लिए हम उतरे। केरला से आने वाले पुराने पंतेकोस्त वाले कोई नहीं है, केरला से पंतेकोस्त वाले ये सब कुछ इनकार करेगा तो अभी भी अपमान नहीं होता है? केरला से आए हुए लोग बोलो, तमिलनाडु से आए हुए लोग बोलो, तमिलनाडु से आए हुए ये सब कुछ निकाल देगा तो अपमान नहीं होता है? मुंह से बोलो ना यार, बहुत ही अपमान होता है। इसलिए क्या अपमान हो गए? नॉनसेंस। अपमान होने के लिए हम लोग उतर कर आए हैं। और मैंने लास्ट संडे शायद बोला, लगता है ये ग्रुप को, हमारे लोग ये स्टेप में आना ही चाहिए। कौन सी स्टेप में? एस्तर के स्टेप में। एस्तर की कौन सी स्टेप था? कल गया संडे इधर प्रसार हुआ था क्या? नहीं, संडे हुआ था। कौन सी? ये में था, बी फर्स्ट में था, सेकंड था, मुझे पता नहीं। अभी बाइबल कोई खोलने की जरूरत नहीं, आप तो बाइबल बड़ा स्टूडेंट्स है। एस्तर के समर्पण ये है, मैं नियम के विरुद्ध। इधर बैठने वाले जेंटलमैन को समझ में आता है, हम अपमान होने के लिए ही हम आए हैं। चोरी करके अपमान होने के लिए नहीं, व्यभिचार करके अपमान होने के लिए नहीं, मोह करके अपमान होने के लिए नहीं, प्रभु के वचन को मानने के कारण। क्या मैंने बोला? प्रभु के वचन को मानने के कारण अपमान भी खाएंगे, अब मार भी खाएंगे, अब मर भी जाएंगे। सेक्रेटरी साहब को थरथराता होता, ये कैसे होगा? यीशु आपके लिए जान दिया हो तो मैं भी यीशु के नाम के लिए जान देना पड़ेगा। एक खेल नहीं है मसीही जीवन। लड्डू मिलेगा, अमेरिका जाने के लिए मिलेगा, अच्छा लड़की मिलेगा, अच्छा लड़का मिलेगा, पढ़ाई मिलेगा, वो ये सब तुम भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। यीशु के पीछे चलने के लिए जो आया है
उनको अपमान जरूर सहन करना। मुँह खुशी का मुँह खोलता नहीं है, मेरा हिंदी समझ में नहीं आया क्या? अपमान सहन करना ही पड़ेगा। मैंने उधर बैठकर मैं सोच रहा था 90 ईयर्स के पहले, कितना साल के पहले, 90 ईयर्स के पहले जब पंतेकोस्त के मूवमेंट दुनिया में आए, ऐसे लोग क्या क्या बपतिस्मा लेकर आएगा, मट्टा मट्टा नहीं बरे ने, ये क्या बोलते हैं, ये नारियल का क्या बोलते हैं, उससे ही औरतों मार गए। ये चर्च के शुरू में भी ऐसे ही हुआ था। इसलिए अपमान हमारे हमारे लिए मिला हुआ एक लेगेसी, इधर लेगेसी बोलते है? एक लेगेसी है। अपमान भी सहन करेंगे, हाथ नीचे डाल, अपमान भी सहन करेंगे, सरकार के नियम के विरुद्ध भी हम जाएंगे। पर मार के बोलने लगा, आई चुप किधर बैठा ना, प्रेत का काम है लेकर पड़ी ना, प्रेत 100 हाँ, प्रेरितों का काम 4:19 इंग्लिश में भी बोल दो, इंग्लिश में भी बोल दो, इंग्लिश में भी बोल दो, इंग्लिश में बोल दो किताब का नाम, एक्स ऑफ द अपोसल्स बोलो, एक्स ऑफ द अपोसल्स। तो ट्रेनिंग देना चाहिए ना, ये सब अनट्रेन्ड रहेगा कि जिंदगी पर बुढ़ा 150 साल तक रहेगा वही इधर खड़ा रह के प्रचार करना। एक्स ऑफ द अपोसल्स 4:19 सब लोग जोर से पढ़िए, but Peter and John replied, judge for yourselves whether it is right in God's sight to obey you rather than God. Hindi mein Petrus aur Yohana ne unko uttar diya, tum hi nyay karo, kya ye parmeshwar ke nikat bhala hai ki hum parmeshwar ki baat se badhkar tumhari baat mane. Adine Petrus aur Yohana devate kaal adhigam ningale anusarikkunnathu devathinte munpaage nyayamo. తెలుగు అందుకు పేతురును యోహానును వారిని చూచి, దేవుని మాట వినుట కంటే మీ మాట వినుట దేవుని దృష్టికి న్యాయమా, మీరే చెప్పుడి. ఏ కిస్కా స్టేట్మెంట్ హే, యేసుకు పీచే చల్నే వాలే ఏక చేలా కనువు తో మే నహీ బోల్నా చాహియే, ఆప్ నహీ బోల్నా చాహియే. మేనే సోచతా హూం యే కరోనా కు ఆప్ లోగ్ టెస్ట్ కర్నే కే లియే పరమేశ్వర్ నే భేజా. I am of the opinion that you have to obey the word of God. मैं यही विचार करता हूँ, मैं उसके लिए कई दिन से मैंने प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, लॉर्ड अभी नहीं कोरोना का आने के समय नहीं उसके पहले से ही, प्रभु इसी प्रकार का संभव आएगा तो आपको डिनाई करने के लिए मुझे मौका ना दे। और आप लोग भी ये स्टेप में आना ही चाहिए, नहीं तो स्वर्ग में जाता हूँ, स्वर्ग में जाता हूँ। कई लोग बोलते हैं मैं पंतेकोस्त में जाएगा तो अच्छा औरत मिलेगा, कई लड़के बोलते हैं पंतेकोस्त में जाएगा तो मुझे अच्छा लड़का लड़का मिलेगा, लड़की क्या बोलते हैं उल्टा होता है, लड़का मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा, मुझे खाना मिलेगा, गेहूँ मिलेगा, वो मिलेगा, क्या फालतू। वो समय चला गया है, वो समय चला गया है। यीशु के वचन के लिए कड़ा रहने वाले उसके लिए समर्पण करो। और आखिरी में एस्तर क्या बोला, नियम के विरुद्ध में जाओगे। नंबर 2, मैं मरना है तो मरेंगे, मलयालम में शायद नहीं होगा, या इंग्लिश भाषा में या चाहताल में इंग्लिश जा। ചേട്ടനും ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യയും ചേട്ടൻ്റെ മക്കളും അങ്ങനെ ഒരുക്കമുണ്ടോ?
അല്ലെങ്കിൽ ഒരുങ്ങിക്കോണം. ഫാമിലി ലീഡേഴ്സ് സബ് കടേ ഹോ ജാവോ, ഫാമിലി കെ ബഡേ ലോക് സബ് കടേ ഹോ ജാവോ. ये आत्मीय जीवन खेल नहीं है. मैं मेरे पत्नी, इधर सुनो भैया उधर मत देखो, मैं और मेरे पत्नी और मेरे बच्चे बैठकर प्रार्थना करने समय हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं करके बोलने वाले इसमें कितने लोग बैठे हैं? आप क्रिश्चियन हैं, चर्च जाते हैं, मैं और मेरा पत्नी और मेरे बच्चे बैठकर फैमिली प्रेयर करने के समय में अब इधर ध्यान, इधर ध्यान, वो तो बात में देख, हम लोग आत्मा में भर के आराधना करते हैं. लास्ट संडे मैंने ये पूछा था, संडे संडे उसके पहले पूछा था, शनिवार को, अभी बुधवार को पूछ रहा. नहीं तो समथिंग इज रेडिकली रॉन्ग विद यू और विद योर फैमिली. इंग्लिश में जो बोलना आपको अच्छा लगता होगा, नहीं तो आपके परिवार में कुछ भयंकर प्रॉब्लम है. ठीक है, इतना बच्चा के बारे में नहीं बोलता हूँ, शायद वो पवित्र आत्मा नहीं भरता होगा, वो भी पवित्र आत्मा में भरना. 1950 में जब मैं पवित्र आत्मा में भरा, उसमें 7 उम्र का लड़के लोग पवित्र आत्मा पाए. वो लड़का मुंह का अंदर का हाथ लाल कर बैठा, 7 years old, 9 years old, 11 years old. आई एम ए मैन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर वचन को मानने वाला हूँ, उसको ऐसे बोलने वाला हूँ. कैसे भी मलयालम में बोलते हैं तो पोत्तु वर्त तेलगन वाकुंडलो, ये बोलने के लिए मुझे है ही नहीं, कुछ नहीं. मैं प्रभु का वचन को बोलूँगा, वचन के अनुसार चलने के लिए आपको जबरदस्त करूँगा, नहीं तो आज से आप समर्पण कर दो. आपके घर में जो कोई पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं पाया, उनके लिए आंसू बहा के प्रार्थना करो. कैसे प्रार्थना करना? आंसू बहा के. समझ में आ गया? 7 o'clock इन द मॉर्निंग, संडे 7 o'clock, सेकेंड सेशन 9 o'clock. ये गेट खुला है, वो खुला है, खुला 3 gates, इधर खुला है, इधर 3 gate खुला है. आप तैयार में रहना. फ्लाइट में मुसाफरी करने वालों को मालूम है, कैसा भी जाएंगे करके बोलने के लिए नहीं, ठक सब तैयार. कितना जल्दी फ्लाइट के बाहर उतर जाएंगे उतना गड़बड़, दूसरा फ्लाइट पकड़ना है. इसलिए आपके सिस्टम सब बदलना है, आपके बच्चों का, पत्नियों का सब सिस्टम बदलना है. आपको हेल्प करने के लिए मैं आया हूँ. नेक्स्ट संडे इधर चटाई डालेगा, इधर चटाई डाला जाएगा, इधर चटाई डाला जाएगा, इधर चटाई डाला जाएगा. इसलिए कितने लोग आना चाहते हैं उतने लोग आए, लेकिन बच्चों को मेहरबानी करके नहीं लाना है. टेम्परेचर वाले अंदर नहीं आना है. फर्स्ट रूम, सेकंड रूम, आठ बजे बेहेंगे. थोड़ा समय ब्रदर आनंद प्रभु के वचन से हमें बताएगा हिंदी में. मिस्टर आनंद, ओनली 30 minutes फॉर यू, क्विक. प्रभु में आनंद है मेरी तात,
संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। लॉर्ड परमेश्वर नाम को धन्यवाद हो। हालेलुया परमेश्वर। परमेश्वर मुझे अवसर दिया, मुझे योग्य बनाया, मैं परमेश्वर नाम को धन्यवाद देता हूँ। पास्टर साहब को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने यह अवसर मुझे भी दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। मैं गवाही दे सकता हूँ हिंदुस्तान में ऐसा टीचिंग कहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं कई चर्चेज में गया हूँ, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन आउट ऑफ इंडिया। प्रेज द लॉर्ड। सो या जो सिखा जाता है, आई डोंट थिंक एनी वेयर यू कैन गेट इट इन इंडिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर नाम को धन्यवाद हो। एक इस उम्र में आत्महत्या करने के लिए निर्णय किया व्यक्ति आज आप लोगों के बीच में यीशु मसीह का वचन लेके खड़ा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा यीशु जिंदा है। ईश्वर के नाम का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये एक मिनट प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वचन पढ़ने का पहला, सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता प्रभु जी, इस संध्या समय के लिए हम धन्यवाद देता राजा। तू महान है, तू दयालु है, तू कृपालु है, हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर, हमें संभालने वाला परमेश्वर, हम पर दया दिखाने वाला परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के लिए, कृपा के लिए, प्रेम के लिए धन्यवाद पिता प्रभु। हमें दिया हुआ ये अवसर के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आए हरेक प्रजा के लिए धन्यवाद। वचन अब्बा तेरा है, अब्बा ये वचन अनंत काल वचन है परमेश्वर। इसे समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, इसे मानने के लिए पिता मुझे, मेरे परिवार को, यह बैठा हुआ हरेक जीवन में तू सहायता करने के लिए प्रार्थना करता राजा। हेल्प अस लॉर्ड टू सबमिट आवर सेल्फ। हम अपने आप को समर्पण करने के लिए सहायता कर। हमारे मन को, हृदय को तेरे ओर लाने के लिए तू सहायता कर। इस जगह को तू भर दे पिता। सारे आदर महिमा गौरव तुझे देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल पवित्र शास्त्र एक ऐसा पुस्तक है हमारा जीवन को बिल्कुल बता सकता, हाउ यू आर, व्हाट यू आर, हु यू आर। प्रेज द लॉर्ड। पर्पस ऑफ योर लाइफ, सारे चीज यू कैन से, हर प्रश्न का उत्तर इस पुस्तक में मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे छुआ एक वचन पढ़कर, देन आई विल गो टू वन वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। मैं कई जगह में इस वचन को रेफर किया हूँ। एक्स 22 चैप्टर, एक्स 22 चैप्टर वर्स 32 32 22 का 32 प्रेरितों काम 22 का 22 अध्याय 32वां वचन, सॉरी 20:32, आई एम सॉरी 20:32, 20 का 32। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. या पौलोस एफिसी मंडली का फेयरवेल स्पीच में एल्डर्स के साथ
सारे लोगों का साथ एड्रेस किया हुआ एक शब्द है, इंग्लिश में ऐसा लिखा गया, नाउ आई कमिट यू टू गॉड एंड द वर्ड ऑफ हिज ग्रेस विच कैन बिल्ड यू अप एंड गिव यू इनहेरिटेंस अमॉन्ग ऑल दोज हू आर सैंक्टिफाइड। ये वचन हमें बना सकता है और पवित्र लोगों के साथ, हिंदी में क्या लिखा गया, परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता है, हाँ, सब पवित्र किए हुए लोगों में, हाँ, साझी करके, हाँ, मीरास दे सकता है। Praise the Lord. Inheritance among the sanctified ones. This word has got a power to build up our life. हमारे जीवन को बनाने के लिए इस वचन के अंदर सामर्थ्य है। Praise the Lord. This word has built me, transformed my life. Praise the Lord. Hallelujah. इतना भी नहीं, पौलुस कहा द वर्ड ऑफ ग्रेस, अनुग्रह वचन विच कैन बिल्ड यू अप, विच कैन बिल्ड यू अप एंड गिव यू इनहेरिटेंस अमॉन्ग ऑल दोज हू आर सैंक्टिफाइड। देर इज नो अदर वे, देर इज नो अदर वे फॉर अस टू बिल्ड अप आवर स्पिरिचुअल लाइफ एक्सेप्ट दिस वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। तो इसे ध्यान करना, इसे मानना हमारे के लिए बहुत अवश्य है। प्रभु हमें ये वचन अपना भाषा में दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम को हर दिन धन्यवाद करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज स्मरण के लिए आइए मेरे साथ यूहन्ना सुसमाचार 14:23 बहुत फेमस, कई लोग मुंह पाट बोलने वाला वचन है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उसे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे, और उसके साथ निवास करेंगे, प्रेज द लॉर्ड। सी द डिजायर ऑफ गॉड, परमेश्वर का एक आशा, एक प्लान। प्रेज द लॉर्ड। गॉड वॉन्ट्स टू ड्वेल विथ अस। यीशु, दिस इज द वर्ड ऑफ जीसस, एक व्यक्ति का नहीं है, कभी यीशु झूठ नहीं बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा ही एंड फादर वॉन्ट टू ड्वेल विथ अस, स्टे विथ अस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। वी ओनली पुश हिम आउट, हम ही उसको धक्का मार के भेज देते हैं। नो, वी डोंट हैव टाइम नाउ, हमारे पास समय नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम प्रभु को धक्का मार के, हमारे जीवन से, परिवार से धक्का मार के बाहर भेज दिया। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर साहब बोला ये सब हमारे लिए आता है सो दैट वी कैन क्लिंग ऑन टू गॉड, so that we can seek God. Praise the Lord. और भी उनका निकट आ सके। Praise the Lord. So परमेश्वर हमारा साथ रहने के लिए चाहता है। He want bring the heaven down to us. स्वर्ग को नीचे लाने के लिए चाहता है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारा साथ रहने के लिए चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा, बहुत सरल रीति से कहा, पढ़िए ब्रदर एक बार। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, तो वह मेरे वचन को मानेगा, मेरा वचनों को मानेगा। इंग्लिश में लिखा गया दे विल ओबे माय टीचिंग। Praise the Lord. If anyone loves me, they will obey my teaching, not somebody's teaching. Praise the Lord. Yeshu ne wahi kaha, come to me. I am humble. Learn from me. Yeshu ne yahi kaha, aao mere paas. Lagbhag pastor saab pichle hafta bhi bola. Sunday, is shabd ko pastor saab bhi kaha, aao mere paas.
मुझसे सीखो, मैं नम्र दीन हूं। कम ऑन टू मी, लर्न फ्रॉम मी। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए मार्ग यीशु बताया, उनका टीचिंग्स, उन्होंने जो कुछ सिखाया उस बात को मानना है, वो बे। वी नो ऑल हिज टीचिंग्स, द क्वेश्चन इज ओनली आर वी ओबेइंग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का सारे टीचिंग्स चार गॉस्पल में लिखा गया। हम कितना जानते हैं, हमें अपना आप को प्रश्न करना है। प्रेज द लॉर्ड, उनको उपदेश क्या है, व्हाई व्हाट ही वांट्स टू टीच अस, क्या हमें सिखाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस चार गॉस्पल पढ़ने से हमें मालूम पड़ेगा, वी नीड टू समराइज ऑल दोस टीचिंग्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अप्लाई अवर लाइफ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये तो पक्का है, परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज गॉड। व्यवस्था विवरण में मूसा इस प्रकार कहा, पढ़िए 23:14। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने, तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को, तेरे शत्रुओं को तेरे से हराने के लिए तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, तेरा छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए इसलिए तेरी छावनी, तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। ऐसा ना हो हाँ कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर हाँ तुझसे फिर जाए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा, वो बी माई टीचिंग। यह मूसस पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया, परमेश्वर द लॉर्ड योर गॉड मूव्स अबाउट इवन इन योर कैंप टू प्रोटेक्ट यू एंड टू डिलीवर योर एनिमीज टू यू। योर कैंप मस्ट बी होली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र दाई हमारे जीवन में, परिवार के जीवन में परमेश्वर चाहता है। यीशु ने जो कुछ सिखाया उस बात को मानना है, पवित्र धाई जीवन बिताना है, यही परमेश्वर का चाहने वाला। और दाऊद को पूछेगा तो दाऊद एक शब्द कहा, पढ़िए 34:7। यहोवा के डरवियों के चारों ओर हाँ उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। द एंजल ऑफ द लॉर्ड एनकैम्प्स अराउंड दोज हु फियर हिम एंड ही डिलीवर्स देम। आमेन। परमेश्वर का भय मानने वाला, पवित्र जीवन बिताने वाला और परमेश्वर यीशु मसीह का जो बातों को मानने वाला के जीवन में क्या होगा करके हमने पढ़ा। प्रेज द लॉर्ड। और 91 साम्स में आएगा, पास्टर साहब कभी कई बार सिखाए हमें। प्रेज द लॉर्ड। 9:10-11:3 में लिखा गया, 9वां वचन में लिखा गया, इफ यू मेक द लॉर्ड योर ड्वेलिंग प्लेस, तू अपना शरण स्थान ठहरा है। हाँ हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। हाँ तूने जो परम प्रधान को अपना हाँ धाम मान लिया है, धाम मान लिया, इंग्लिश में लिखा है ड्वेलिंग प्लेस। If you make the Lord as your dwelling place, praise the Lord. Hallelujah. 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 आज हमारे जीवन को परखना है। We are all busy, including me. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कई बार हम अपना जीवन में व्यस्त हो जाता है। We forget God, the presence of God. Praise the Lord. We were not able to listen to Him. We were not able to spend time with Him. हम कई बार उस बात में पीछे हट जाता है।
वी एक्सपेक्ट एवरी टाइम दैट गॉड लीड अस, परमेश्वर हमें चलाए, परमेश्वर को उपस्थित हमारा साथ चाहिए करके प्रतिदिन हम प्रार्थना करता है, बट द प्रॉब्लम इज हाउ मच वी ओबे गॉड्स टीचिंग, द टीचिंग ऑफ जीसस। यीशु ने कई बात सिखा गया, मैं दो चीज मेरे हृदय में टच के और बातों को बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने कई बार कई बात सिखा गया, रिपेंटेंस के बारे में सिखा गया। पहला प्रचार यीशु मसीह ने रिपेंटेंस, मन फिरो करके कहा, मन फिरो। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, नया जन्म पाओ। प्रेज द लॉर्ड। थ्रू द वाटर एंड द स्पिरिट, स्पिरिट एंड प्रेज द लॉर्ड वाटर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं इधर बैठ के परमेश्वर के आत्मा मुझे याद दिलाया, कई सालों को पहले हुआ ये घटना। मैं पवित्र आत्मा नहीं पाया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं रखता था, क्योंकि मैंने जो बैप्टिज्म लिया वो ऐसा डिनोमिनेशन था, वहां पर पवित्र आत्मा को विश्वास नहीं करता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं ये चर्च में आने के बाद मुझे भी चिल्लाना ताली बजाना पसंद नहीं होता था। प्रेज द लॉर्ड। आई ट्राई टू इनिशियल डेज अवॉइड द वर्शिप टाइम, आई यूज टू कम ओनली टू लिसन द मैसेज। Praise the Lord. Hallelujah. 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 लेकिन मैं भी बहुत यत्न किया, पवित्र आत्मा यदि है तो मुझे चाहिए। आई वॉन्ट दैट स्पिरिट, होली स्पिरिट अनॉइंटिंग, इफ इट इज ट्रू। मैंने कई दिन उपवास किया। छोटी उम्र से लेकर मैंने जितना बुरा काम किया, ये सारे कामों को लिस्ट लिखकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बड़ा लिस्ट है, सारे पापों को लिखकर एकांत में उपवास में बैठकर प्रभु से मैं कन्फेस किया। बहुत दिन उपवास किया, बहुत महीना चला, लेकिन नहीं पाया पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे एक डाउट हो गया, है कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। एक इतवार को आराधना के समय में पास्टर साहब एक सब्जेक्ट को प्रचार कर रहा था, रिकंसिलेशन, लेन देन में सावधान रहना। प्रेज द लॉर्ड। आई एम टेलिंग माई ट्रू स्टोरी। प्रेज द लॉर्ड। आई नो मेनी ऑफ यू स्टिल नॉट रिसीव द होली स्पिरिट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बोलने के लिए नहीं आया हूं, बट द होली स्पिरिट रिमाइंडेड मी दिस। तो उस दिन लैंड देने के बारे में पास्टर यहां से संडे प्रचार किया, मैं घर चला गया हूं। मैं चेन्नई से यहां आने के समय में मैंने एक व्यक्ति से 600 रुपये उधार लेके आया हूं, 600 रुपीस। ईयर्स पास्ट, कई साल बीत गया, मेरे पास तो पैसा था, दे भी सकता था, 600 रुपया अभी क्या, छोड़ दो करके आई इग्नोर्ड, मैंने माइंड ही नहीं किया। उस दिन प्रभु की आत्मा मेरे से बातचीत करने लगा। आई वॉज रेस्टलेस दैट डे संडे। मैंने बड़ी गलती किया, आई हैव नॉट पेड हिम बैक। अभी साल बीत गया, आई डोंट नो वेयर ही इज, वो व्यक्ति है किधर है, उधर ही है, दूसरे किधर है, पता भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मंडे ऑफिस में जाकर मैंने मेरा चेन्नई का एक ऑफिस वाला को फोन कर मैंने कहा, ये कंपनी में ये व्यक्ति है, कैन यू प्लीज गेट इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स नंबर। उन्होंने एक हफ्ता मुझसे टाइम मांगा, एक हफ्ता के बाद उन्होंने मुझे नंबर दिया। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया हालेलुया। उनको मैंने फोन लगाया, काफी साल के बाद मैंने उनको कांटेक्ट किया, उनसे कहने लगा, सर आई एम वेरी सॉरी आई वॉज नॉट एबल टू रिटर्न योर मनी, मैं आपका पैसा वापस लौट नहीं पाया, मुझे क्षमा करना, प्लीज़ गिव मी योर अकाउंट डिटेल्स सो दैट मैं आपको जो पैसा देना है वो पैसा वापस भेज दूंगा। उन्होंने कहा, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको क्या टेंशन, डोंट वरी, नहीं नहीं मिलनी, मुझे देना है, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे देना है। लगभग 10 साल गैप होगा, 10 ईयर्स गैप, परमेश्वर देखो हिसाब रखता है, हम भूल जाएंगे, स्वर्ग हर बातों को याद रखता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनसे मैंने अकाउंट नंबर लिया, ब्याज के साथ मैंने पैसा लौटा दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। लगभग उसी दिन, आई डोंट रिमेम्बर, मैं अंजार में रहता था, प्रेज़ द लॉर्ड, पास्टर साहब फोन किया, शाम को तू आना यहाँ पर, ये रूम में बैठ के थोड़े समय, थोड़ा लोग को बुलाया, यू सीट एंड प्रे। शाम के समय में ऑफिस के बाद आने के लिए कहा, प्रेज द लॉर्ड। मैं गाड़ी लेकर अकेला ड्राइव करके आ रहा था, प्रार्थना करके आ रहा था उस टाइम, आई वॉज फील्ड विथ होली स्पिरिट, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं नहीं जानता था, मैं अपना आप अन्य भाषा बोलने लगा, मैं अपना आप अन्य भाषा बोलने लगा, प्रेज द लॉर्ड। वो भाई टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, छोटी सी बात है, हमारे दृष्टि में बहुत छोटा है, यीशु मसीह ने कई चीज सिखा गया, मुझे दो चीज मैं बोलना चाहता हूं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। एक चीज पास्टर कभी कभी बोलता रहता है, बकवास ना करना, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मैं भी कई बार मेरे बच्चों को भी बोलता हूँ, मेरे वाइफ को भी बोलता हूँ, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय पढ़िए, और मैं तुमसे कहता हूं, कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। Praise the Lord. See, our tongue itself restricting God's presence. हमारी ये जीप है, careless words, जो नहीं चाहिए शब्द, जो नहीं बोलना ऐसे शब्द, परमेश्वर का उपस्थिति हमसे दूर कर लेता है। We think we are holy, but knowingly, unknowingly, we are kicking the presence of God by uttering careless words. निकम्मी बातें, ये छोटी सी टीचिंग है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन को परखना है, मेरा इस केयरलेस वर्ड्स का कारण कितना बार पवित्र आत्मा को दुखित किया, कितना लोगों को दुखित किया, प्रेज द लॉर्ड। क्रिश्चियन लाइफ मस्ती का जीवन नहीं है, इट्स वेरी टफ लाइफ। यीशु मसीह की टीचिंग इतना आसान नहीं मानना, बट वी हैव नो अदर वे, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। दूसरे चीज, मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय 1 वचन 2 वचन, दोष मत लगाओ, हाँ, कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, हाँ, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, हाँ, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, प्रेज द लॉर्ड। और जिस नाप से तुम नापते हो, हाँ, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। दीज आर टीचिंग्स ऑफ जीसस, यीशु मसीह का ये सिखाया हुआ बात है। यीशु ने कहा, यदि मेरा बातों को तू मानेगा तो मुझे प्रेम करना जैसा।
If you love me, you will obey my teachings. Praise the Lord. Do not judge others. हम कितना लोग न्याय करते हैं घर पे ऑफिस में कितना लोग न्याय करता होगा. We took all the power of judging people. यीशु खुद ने किया. Praise the Lord. Hallelujah. ये सब करने के बाद we pray to God. And we ask God's presence. Praise the Lord. हमें परमेश्वर, it's because of purely His mercy we are alive today. Not that because we are a good people. Praise the Lord. Hallelujah. कितना बार हम वचन पढ़ा, हम कितना हद तक इसको मानता है. Praise the Lord. Hallelujah. यदि परमेश्वर का प्रोटेक्शन हमें चाहिए, यदि परमेश्वर का उपस्थिति हमें चाहिए, वी हैव नो अदर शॉर्टकट. हमारे लिए कोई शॉर्टकट है ही नहीं है. प्रेज द लॉर्ड. उनका बातों को मानना ही मानना ही, छोटा हो बड़ा हो, हर बात को हम मानना है. आज शाम के समय में हमारे जीवन को परखना है. सी गॉड वॉन्ट्स टू ड्वेल विथ अस. There is no doubt in it. उसमें कोई संदेह ही नहीं हमारे लिए. मेरे साथ रहना चाहता है, मेरे परिवार में रहना चाहता है. Praise the Lord. लेकिन मैं ही रुकावट हूं, मेरा परिवार के लोग रुकावट है. He is extending his time. He is extending his mercy. He is extending his love. एक न एक दिन इस बात को जाने. आज हमारे लिए एक मौका प्रभु हमें दिया. प्रभु ये वचन का अनुग्रह करे. थैंक यू पास्टर. प्रेज द लॉर्ड. वचन सुनते सुनते और भी एक वचन मुझे याद आया, आपको छोड़ देता हूँ. वो योना की किताब से ही एक वचन. कौन से वचन पढ़ रहे थे? 14 चैप्टर ना, 23. उसमें एक वचन ऐसे यीशु ने बोला, देखिए मैं ऐसे उधर बैठते बैठते 31 इंग्लिश में द वर्ल्ड मस्ट लर्न दैट आई लव द फादर एंड दैट I do exactly what my father has commanded me. English Bible kiske paas hai zara hath badhaiye. Bible zor se is portion jo maine padha utna hi padhiye. Zor se padhiye. Malayalam mein padhiye utna. Engilum njan pidavine snehikkunnu engil venda. ഞാൻ പിതാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നും പിതാവ് എന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നും ലോകം അറിയട്ടെ. എഴുന്നേൽപ്പിൻ, നാം പോകാം. മലയാളം വളരെ, ഞാൻ അത് വായിച്ചില്ലല്ലോ. ഞാൻ വായിച്ചത് മാത്രമേ വേണം. അതിൽ മലയാളം നന്നായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിനെ പോലെ എനിക്ക് അത്ര ഒത്തു വരുന്നില്ല. ഹിന്ദിമേ സംസാർ ജാനേ കി മേ പിതാ സെ പ്രേം രക്ത ഹൂ ജേസെ പിതാ നെ മുജെ ആജ്ഞ ദി मैं वैसे ही करता हूँ. तेलुगु में आपके ट्रांसलेशन बहुत अच्छा तो है, लेकिन इंग्लिश में जो एक्सप्रेशन आता है उतना एक्सप्रेशन आता नहीं. तमिल में पढ़ी दीदी. इंग्लिश बाइबल जो जिनके पास है वो थोड़ा अंडरलाइन कर लेना. आई डू एग्जैक्टली व्हाट माय फादर हैड कमांडेड मी. आई डू. हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग दिस बाइबल? इज इट योर बाइबल स्टीवन? नहीं है. यू कैन अंडरलाइन द पेन. नहीं चाहिए तो मैं एक आदमी की दे सकता हूँ.
मैं जो इंग्लिश में पढ़ता हूँ आपको आता है? आई डू एग्जैक्टली व्हाट माय फादर हैज कमांडेड मी. मैं वैसा ही करता हूँ जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी है. ये लिखा है ना? हाँ, ऐसे अब अंडरलाइन कर दिया ना. सब लोग ये वचन को समर्पण करके हेल्प मी टू डू द सेम थिंग इन माय लाइफ. नील डाउन, नील डाउन, मुंह खोलिए. पिता எனக்கு கட்டளையிட்டபடியே நான் செய்கிறேன். பிதாவ் என்னை கல்பிச்சது போலே நான் செய்கிறேன். நான் தன்றி எனக்கு நேர்ப்பிச்சின பிரகாரம் மாத்திரமே நான் செய்துனானு. ஓபன் யுவர் மவுத் அண்ட் சே. ஓபன் யுவர் மவுத் அண்ட் கமிட் யுவர் செல்ஃப். हवा जाता नहीं है. ये जवान लड़के बैठे हैं, क्या करेंगे? शामिल थोड़ा हंक तो बंद कर देना. परमेश्वर प्रदा आनंद के द्वारा दिया हुआ सलाह के लिए प्रभु को धन्यवाद चढ़ाए. आज और भी एक दबे डिस्टर्बेंस बिना हम प्रभु को पश्चिम आने के लिए प्रभु मौका दिया, इसलिए धन्यवाद चढ़ाए. बहुत लोग ये चर्च में पैर रखे, शायद 3 महीना 4 महीना हो गया है. कोरोना उनको बंद किया है, या सरकार ने बंद किया, या दूसरे लोगों ने डरा दिया. डोंट ओपन योर आइस. कोई आंग ना खोले. उन लोग को प्रभु आशादि दे. प्रभु का आराधना करने के लिए, वचन सुनने के लिए लोग आना चाहिए. उसके लिए 2 मिनट सब लोग जोर से प्रार्थना करिए.